हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल फूड विद वैशाली भटनागर। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन घी रोस्ट। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, और ये रेसिपी आप पनीर के साथ भी बना सकते हैं फॉर वेजिटेरियंस। और चिकन घी रोस्ट जो है वो आप एज इट इज एज स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। यू कैन सर्व इट विद चपाती, पराठा और जस्ट प्लेन राइस। सो लेट्स मेक चिकन घी रोस्ट। टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्ची, 5 से 6 सूखी लाल मिर्ची, अगर तीखी है तो कम ले सकते हैं या फिर आप कश्मीरी मिर्ची यूज कर सकते हैं साबुत, 2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 4 से 5 लौंग। अब इसे अच्छे से हमें सेक लेना है जब तक इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगे। ये मसाले अब सिक गए हैं, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर इसे हमें ग्राइंड करना है एक पाउडर में। मसाले अब ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 6 कलियां लहसुन की छिली हुई और 1 इंच का टुकड़ा अदरक। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इमली का रस, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब इसमें आपको अगर जरूरत लगे तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, हमें इसका बारीक पेस्ट बनाना है। बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें अगर आप कश्मीरी मिर्ची यूज करेंगे तो उसका कलर लाल रहेगा, वो कम तीखी होती है, लेकिन मैंने इसमें स्पाइसी मिर्ची डाली है जिसका कलर बहुत लाल नहीं आता, बट हम कश्मीरी मिर्ची का पाउडर यूज करेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम करना है, स्लाइस अनियन, आप चाहें तो अनियंस बारीक भी काट सकते हैं। अब हमें इन्हें सौते करना है। अब ये प्याज हल्के गोल्डन हो चले हैं तो इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। हमने जो मसाला पीसा था वो डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करके इसे भूनना है जब तक चिकन कुक हो जाए। अब इसमें 1/4 कप जितना हम पानी डालेंगे और ढक के इसको कुक होने के लिए रख देंगे। जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, चेक करते रहें बीच में कि ये ओवर कुक ना हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई बनेगा। हमें इसको इसी तरह से भूनते रहना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। इसे हम जब तक भूनेंगे तब तक ये पूरा ड्राई हो जाएगा। चिकन घी रोस्ट अब ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, करी लीव्स,
आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इससे आपको मेरी हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।